ये वो जिम्मेदारी है जो स्कूल ने आपकी अपने ऊपर ले ली। आप लोगों को कहने का उद्देश्य ये है कि आप इस बात को मानकर चलिए कि एक सुविधा दी गई है जो स्कूल द्वारा आपको दी गई है। स्कूल का मेन काम है शिक्षा का, पढ़ाने का। तो आप कभी भी बच्चे की शिक्षा संबंधी हमसे कभी भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल उसके लिए हम तैयार हैं। कई बार ऐसा हो सकता है, यहाँ पर एक दो मदर्स बैठी हूँ, फोन सुना है, कभी नाम या वो तो याद नहीं रहता। ऐसा भी हुआ है कि 8 बजे कॉल आई रात को, सर दूध नहीं पी रहा, हुआ है ऐसा। मगर दो जी फोन, बच्चे को समझा बेटा दूध पी ले। हम कभी भी, बल्कि यहाँ पे एक दो से बैठे हैं, वो नंबर सेल नहीं करते। मेरा नंबर शायद सबके पास होगा यहाँ जितने हैं, और ये ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि मेरा फोन स्विच ऑफ या एयरप्लेन मोड पर गया हो। जितनी यहां माए बैठी है, कोई अगर ये बता दे कि कभी बात करते करते फोन काट दिया हो। बल्कि मेरे जो साथी हैं दो बैठे हैं यहाँ पे, सिलोरो भाई मून लाइट से हैं, राइटर से हैं, ये कई बार मुझे टोक देते हैं, अरे यार तुम्हारे पास यहाँ बैठे हैं हम, तुम्हारे पास अब भी स्कूल से फोन आ रहे हैं, हमारे पास तो किसी की हिम्मत नहीं कर दे। नेचर है सबका। देखिए आप लोग और हम लोग अगर एक टीम में खेलेंगे तो दूसरी टीम में कौन है, वो फिर बच्चा रह जाएगा। अगर हम एक शिक्षक और एज ए पेरेंट्स हम दोनों एक फील्ड में आ जाएं, तो जो सामने बच्चा है ना, उसे हम कहीं भागने नहीं देंगे, उसे जीतने नहीं देंगे उसके गलत इरादों में। गलत इरादे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आजकल बच्चे पर जो इंपैक्ट है वो टीचर और पेरेंट्स से ज्यादा, जो बाहर का जो एनवायरमेंट है उसका ज्यादा पड़ रहा है। ये ह्यूमन नेचर है। हम लोग बुराई को बहुत जल्दी, क्योंकि वो अच्छी लगती है, उसको ग्रहण करते हैं, और जो अच्छाई है सच है वो बड़ा कष्टकारी होता है, उसके लिए मान करते हैं, उसको हम कम ग्रहण करते हैं। तो हमारा जो बच्चा है वो जो बुराइयां हैं उससे हमें बच्चे को दूर करना है, उसके साथ लड़ना है, फाइट करनी है, उसे सही रास्ते पर लेकर जाना है। तो इसके लिए हमें आपको एक फील्ड में रहना पड़ेगा, एक जगह रहना पड़ेगा। और पिछले कुछ 4-5 सालों जो मैंने कहा कि वो सम्मान घट गया, वो यही हो गया। कुछ जगह बच्चों ने, कुछ जगह समाज ने, कुछ मीडिया ने ऐसा कर दिया कि एक तरफ पेरेंट्स हो गया, एक तरफ टीचर्स या स्कूल हो गए, बीच में जो है बच्चा खड़ा हुआ मजा ले रहा है कि ठीक तो है। बच्चे को आज टीचर ने कुछ कह दिया, वो घर पर जाकर जो है नी, जब बच्चा माँ बाप के सामने शिकायत लगाता है तो 2 की 4 तो वो कर देता है। और पेरेंट्स, अच्छा ऐसा कहा ना, मैं देखूंगा मास्टर को, तो मैं कॉल कर लूंगा अरे तुझे। तो ये जो जब एक पेरेंट्स बच्चे के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो शिक्षक की गरिमा के अनुरूप नहीं है, तो जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसका तो माइंड क्लियर है ना, भाई जब मेरा पेरेंट्स इन शिक्षक का सम्मान नहीं करता तो कोई जरूरी नहीं मैं ना करूं, वो दिखावा करेगा, वो सम्मान नहीं करेगा। चले यहां पर हमारे पास से, हमारे सामने से निकलते हैं 200 बच्चे निकले, 30-40 ऐसे होंगे जो पैर छुएंगे, 50 पैर छू लेंगे, 150 बच्चे बिना पैर छुए निकल जाते हैं। हम लोगों ने कहा यहां से, बेटा जब आप घर जाएंगे तो आप अपने पेरेंट्स के पैर छुएंगे, नमस्कार करेंगे। वो ही बच्चा जो है नहीं अपने पेरेंट्स के पैर छुएगा जो हमारे छुरा होगा। और हमारे कौन छुएगा, हमारे वो छुएगा जिसे आप लोग कह के भेजेंगे कि बेटा अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। ये जो जिम्मेदारी, अभी सभी आपके यहां पर जितने वक्ता है उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी आपकी है। हमने आप ही क्यों बुलाया, अगर मैं ये कॉल करता फादर्स के लिए, वे सब अपनी मोटरसाइकिल कार लेकर आ जाते, ना मुझे गाड़ी भेजनी पड़ती, ना कुछ करना पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि उनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, वो चाहे है नहीं लेकिन समस्याएं बहुत हैं उनके जीवन में। उनके पास अपने घर के लिए हो सकता, अपने बच्चों के लिए हो सकता, मैं भी हूं, हो सकता इतना टाइम ना हो, लेकिन आप लोग जितनी यहां बैठी हैं उनमें से 5-7 को छोड़ दीजिए, ईमानदारी से अपने मन में अगर झांकेंगी तो ये है
जिन्होंने जब वो पढ़ती थी, जब वो स्कूल में थी, वो कुछ करना चाहती थी, चाहे पेरेंट्स की मजबूरी रही हो, चाहे उनकी परिस्थितियां रही हो, वो देहात में हो, स्कूल ना जा पाई हो, लेकिन मुझे ये पता है कि जितने आप यहां बैठे हो, वो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई एक बड़ा सपना मरा हुआ है, तब आप यहां बैठी हैं, अदरवाइज किसी शहर में या कहीं आप बाहर होते। वो जो आपका सपना किसी न किसी कारण से मरा है, ये आप ही की जिम्मेदारी है कि उस सपने को अपने बच्चे के साथ जिए। और वो सपना जो आपके आपका था या आपका बच्चा जो सपना देख रहा है, वो ना मरे, वो उस भंवर में ना फंसे जिस भंवर में आप हैं, तो उसके लिए आपको आज कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ समय देना पड़ेगा। इसके लिए दो तीन चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा बिल्कुल इस लीक से हटकर। एक तो जितना भी वो सब आप अपने घर का कैलकुलेशन कीजिए, हर एक परिवार के पास एक बीमा होना चाहिए। जब हम हैं तब हम नहीं पूछते, शायद अगर हमारे पास कोई बीमा एजेंट आ जाए तो हम सोचते रहे भाई वो आ रहा है दूर हट जाओ। लेकिन मैंने आज तक ऐसा एक भी जगह नहीं देखा जब से मैं अपनी होश संभाली है कि किसी व्यक्ति की डेथ हुई हो परिवार में कमाने वाले की, और पहला क्वेश्चन ये उठता है अड़ोसी पड़ोसी का, रिश्तेदारों का, भाई बहन का, बीमा कितने का है? क्यों? क्योंकि कोई नहीं आएगा, चाहे आपका सगा भाई क्यों नहीं है, वो दो दिन रहेंगे, चार दिन रहेंगे, फिर आपके बच्चे की फीस देने के लिए, आपके बच्चे जब पढ़कर जाएगा उसकी नौकरी के लिए, कहीं भी कोई तीसरा व्यक्ति दो महीने चार महीने भी आपका खर्च नहीं उठा पाएगा। और मैं क्यों कहा था ना, क्योंकि जो बच्चों की पूरी भविष्य है, जो एजुकेशन है, वो पैसे पर डिपेंड करती है। अभी हो सकता है आपको लगे कि सिलोरों की जो भी आसपास स्कूल है उनकी तो बहुत फीस है, कोई बात नहीं, आपका बच्चा ट्वेल्थ तो करे, जब आप ट्वेल्थ करके बाहर निकलेंगी तब आपको पता चलेगी कि सबसे कम फीस तो सिल्वर ऑफ पब्लिक स्कूल की थी। समृद्धि त्यागी जी है बता देंगे, जो बच्चे देहरादून पढ़ रहे हैं उनकी क्या क्या फीस है। हमारे जो छोटे भाई हैं नीरज बालियान जी, इनके बच्चे दो तीन बच्चे देहरादून पढ़ रहे हैं, ये बताएंगे क्या फीस है। आप लोगों को बच्चे का भविष्य बनाना है और सब कुछ आप ही के हाथ में है, आप ये मान के चलिए। इसके लिए सबसे जरूरी है फाइनेंशियल आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्लस आप जो है स्कूल की जो डायरी जाती है उस पर ध्यान दें, प्रतिदिन डायरी चेक करें। और कोई कहता रहे जब पीटीएम है तो कोशिश करें स्वयं आए, बड़े जितने बच्चे हैं उनकी माए नहीं है यहां पे ज्यादातर, मुझे पता है 9 to 12 के जितने बॉयज हैं उनमें से 15% की भी मां यहां नहीं होंगी, उन्होंने कहा ही नहीं तो वे सारे थे, वे खुद लेकर आ सकते थे। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग पीटीएम में आए। आज की हमारी जो वर्कशॉप थी उसका समय 11:30 से 1:30 था, 12 बजे शुरू हुई और लगभग 2 बजने में पास